तरह की जो घटना अभी जो हो रही है, बाद में सब लोगों ने बोला मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग क्या हो गया? मॉब लिंचिंग की वहीं से कोई गलत आदमी जो है वो आया, उसने गलत अफवाह जो है वो फैला दी कि फला आदमी जो है ये गलत है, फला आदमी जो है बच्चा तो है। अब ना किसी ने देखा, ना किसी के सामने हुआ, लेकिन बात कहीं जो है एक गलत आदमी ने फैलाई और उसकी वजह से समाज के जो है उस पर विश्वास करते हुए ही 20 आदमी 100 आदमी जो है उसकी बात में बह करके बिना उसको जो है सोचे समझे किसी को जो है अनजान आदमी को, किसी ने 2 आदमी को मारपीट कर दी। पटना में बढ़ रहे मॉब लिंचिंग के अपराध को रोकने की कवायद जारी है। इससे पहले भी SSP गरिमा मलिक लोगों से अपील कर चुकी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, और आज फिर से राजेंद्र नगर पुल के नीचे मॉब लिंचिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में यहां पटना की SSP गरिमा मलिक समेत विनय तिवारी CT SP सेंट्रल भी मौजूद रहे और तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सहयोगी शुभम कुमार के साथ मैं तनुज मासूम, रिपब्लिकन न्यूज पटना। आपके सामने भी नगर पुलिस अधीक्षक है, ये बता रहे थे अभी तक जितने भी हुए हैं इंसिडेंट, अभी तक एक में भी प्रमाणित नहीं हुआ कि बच्चा किसी का चोरी हुआ है। आपको बता रहे थे दीघा की घटना आपको बता रहे थे। हम राजीव नगर की बताते हैं कि पति पत्नी अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, उनको पकड़ के बच्चा चोर को पिटाई कर। अब बताइए कैसे इसमें काम चलेगा? यही का जो है हमारा बिहार प्रदेश का ही जो है हमारा पटना का ही पति पत्नी बच्चा अपना लेकर के जा रहा था, वहीं पे हो सकता है इस मोहल्ले नहीं दूसरे मोहल्ले का होगा, वहां के लोगों ने जाना नहीं। अब बताइए कहां का ये अच्छा बात हुआ? आप कल को अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहे हैं, अपना ही राज्य में अपने मोहल्ले से हटकर के कहीं चले गए और कोई आपको जो है बिना आपसे पूछे बिना चीज को जाने मारपीट कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा। अब आदमी अपने परिवार के साथ बाहर नहीं हो सकता, तो मेन बात यह है कि कोई जो है शरारती तत्व है वो सिर्फ समाज में जो है वो गलत फहमी फैलाने के लिए, असंतुष्टि फैलाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो हमको उनके हाथ में खिलौना बनना है। आवाज ही नहीं आ रही। एक मुद्दा जो है चला हुआ है मॉब लिंचिंग के संबंध में, तो उसमें पब्लिक जो है इनको अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए कि कुछ जो है असामाजिक तत्व जो है वो फ़ायदा उठा करके पूरा जो है अफवाह उड़ा करके जनता जो है उसको अग्रसर कर देते हैं कि वो किसी के विरुद्ध जिसका इवन आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइड नहीं है उसके विरुद्ध वॉलेंट जो है क्राइम करें कुछ। तो वो हम लोगों ने सब लोगों को यहाँ पर समझाया है, अच्छा ये जो है काफ़ी अच्छा संवाद रहा है, और सभी को हम लोगों ने क्लियर किया है कि स्पेसिफिकली जो मॉब लिंचिंग है उसमें अभी तक जो पिछले जो दिनों में जो घटनाएं हुई हैं सभी में पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, FIR के रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए हैं उनकी गिरफ्तारी तक। न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।